हमारे देश में अक्सर ये कहा जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन अब इसके साथ कंडीशंस अप्लाई भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर पानी में माइक्रोप्लास्टिक के कण मौजूद हों तो वही जल जीवन की बजाय मृत्यु का कारण बन जाता है। हमारे पास आज एक रिसर्च है जिसके डिटेल्स हम आपको बताएंगे, और जब आप ये डिटेल्स जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। एक अमेरिकी रिसर्च एजेंसी ने दुनिया के 14 देशों में शुद्ध पानी की तलाश की, और इस रिसर्च में यह पता चला कि चाहे न्यूयॉर्क हो या नई दिल्ली, लोगों को 100% शुद्ध पानी कहीं पर भी नहीं मिल रहा। इस रिसर्च के मुताबिक आप जो पानी पी रहे हैं उसमें प्लास्टिक के कण यानी माइक्रो पार्टिकल्स की मिलावट हो सकती है। अगर आप लंबे समय तक ऐसा पानी पिएंगे तो आपको कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। अब तक पानी में बैक्टीरिया, टीडीएस या मिनरल्स होने की बात आपने सुनी होगी, लेकिन अब पानी में प्लास्टिक भी घुला हुआ हो सकता है। हम आपको आज डरा नहीं रहे, सिर्फ सच बता रहे हैं, और ये सच आपसे और आपके परिवार से जुड़ा हुआ है। अमेरिका की एजेंसी ने अपने रिसर्च के लिए भारत सहित 14 देशों से पानी के 159 सैंपल्स इकट्ठा किए थे, और इनमें से 90% से ज्यादा सैंपल्स में प्लास्टिक के बारीक कण पाए गए। भारत में स्टडी के लिए सैंपल्स सिर्फ दिल्ली से लिए गए थे। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लिए गए पानी के 17 में से 14 सैंपल्स में माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए, यानी दिल्ली के लोगों को सप्लाई किए जाने वाले 82% पानी में माइक्रोप्लास्टिक्स मौजूद हो सकते हैं। परेशानी की बात यह है कि पानी की इस समस्या को आपका वाटर प्यूरिफायर भी दूर नहीं कर सकता, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये सोचकर चैन से बैठे होंगे कि आपने वाटर प्यूरिफायर अपने घर में लगाया हुआ है, लेकिन इस मामले में वो भी कामयाब नहीं है। पानी में माइक्रोप्लास्टिक्स के मामले में सबसे खराब स्थिति अमेरिका की है। अमेरिका के 94% सैंपल्स में माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए, जबकि यूरोप के देशों के पानी के 72% सैंपल्स में प्लास्टिक के बारीक कण घुले हुए हैं। स्टडी के मुताबिक प्लास्टिक के ये कण इतने बारीक होते हैं कि उन्हें पानी से अलग करना बहुत मुश्किल काम है। प्लास्टिक के ये कण पानी के जरिए आपके शरीर में पहुंच जाते हैं और उसके बाद आपके खून में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से शरीर के कई अंगों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। द लैंसेट की एक स्टडी के मुताबिक वर्ष 2015 में भारत में प्रदूषित पानी पीने की वजह से 6 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। ऐसे में सोचिए कि प्लास्टिक वाले पानी की वजह से न जाने कितने लोगों की सेहत खराब हो रही होगी। देश में फैलते प्लास्टिक वाले प्रदूषण में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। शायद इसके बारे में भी आपको पता नहीं होगा कि ये काम असल में खुद आप ही कर रहे हैं। एक कार जब 100 किलोमीटर चलती है तो इतनी देर में उसके टायर से 20 ग्राम प्लास्टिक डस्ट पैदा होता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि सड़कों पर दौड़ते लाखों वाहनों से कितना प्लास्टिक डस्ट पैदा होता होगा। इसके अलावा अगर आप अपनी वॉशिंग मशीन में 6 किलो सिंथेटिक कपड़े धोते हैं तो उससे 7 लाख माइक्रोफाइबर्स निकलते हैं, और जब ये पानी नदियों में मिलता है तो ये माइक्रोप्लास्टिक उसे प्रदूषित कर देता है। आज हमने आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए माइक्रोप्लास्टिक्स वाले पानी का एक डीएनए टेस्ट किया है। ये खबर आपको तनाव शायद दे सकती है, लेकिन इसके बारे में जानना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सवाल है। इसलिए तनाव लीजिए, लेकिन फिर तनाव लेने के बाद इसका हल भी सोचिए। क्या आप जो पानी पी रहे हैं वो पूरी तरह से शुद्ध है? क्या आपको पता है कि आपके पानी में प्लास्टिक मिला हुआ है? प्यास बुझाने वाले हर घूंट में बीमारी के कण। अगर आप समझते हैं कि आपका वाटर प्यूरिफायर आपको 100% शुद्ध पानी दे रहा है तो आप गलतफहमी में हैं। अमेरिका में हुई एक नई स्टडी के मुताबिक आप जो पानी पी रहे हैं उसमें प्लास्टिक के बहुत बारीक कण मिले हुए हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक वाला पानी आपको धीरे धीरे बहुत बीमार बना सकता है। इस पानी के बगैर जीवन की
कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपके घर में फिल्टर से आने वाला ये पानी पीने के लिए सुरक्षित है? स्टडी के मुताबिक आपके घर में होने वाली पानी की सप्लाई में रोजाना 3000 से 4000 माइक्रोप्लास्टिक मिला हुआ होता है, जो आपके शरीर में पहुंचकर कई बीमारियों का कारण बनता है। आप किसी भी आरओ फिल्टर्स, जो भी फिल्टर्स अवेलेबल हैं, वो डोमेस्टिक वाटर फिल्टर्स अवेलेबल हैं, आप अगर उनकी स्पेसिफिकेशंस देखें, कहीं पर भी वो ये क्लेम नहीं करते हैं कि वो माइक्रो फिल्टर्स, माइक्रोप्लास्टिक्स भी फिल्टर कर लेते हैं। ये क्लेम वो कभी कहीं नहीं करते हैं। वो पार्टिकल साइज कहाँ तक पार्टिकुलेट मैटर वो हटाते हैं या फिल्टर कर देते हैं, वो क्लेम करते हैं। 5 मिलीमीटर तक तो कर ही लेते हैं, आई नो, बट उससे भी छोटा अगर पार्टिकल साइज हुआ, जो कि माइक्रोप्लास्टिक्स में बहुत प्रेवलेंट है, वो तो कर ही सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये माइक्रोप्लास्टिक होता क्या है, और अगर ये शरीर में पहुंच जाए तो किस तरह का नुकसान पहुंचा सकता है। ये दरअसल प्लास्टिक के बहुत ही छोटे कण होते हैं। ये आकार में इतने छोटे होते हैं कि इन्हें आंखों से देख पाना मुमकिन नहीं है। ये आसानी से वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम से भी पास हो जाते हैं। शरीर के अंदर ये कण इंटेस्टाइनल वॉल से पास होकर दूसरे अंगों में भी पहुंच सकते हैं। पानी में देखिए, ये घुलता नहीं है, इट इज कोलाइडल इन द वॉटर। पानी में होता है, प्लास्टिक्स आप देखें हैं, अगर पानी में कभी पार्टिकल पानी में फ्लोट करता है तो वो पानी में घुलता तो है नहीं, पानी में प्रेजेंट होता है। और माइक्रो साइज है, इसीलिए आप विदाउट माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स आप उसे देख भी नहीं सकते, महसूस भी नहीं कर सकते, ठीक है। सो दैट इज वाई इसका प्रेजेंस हम उतना महसूस, वी डोंट फील इट मच, वेदर दैट इज देयर और नॉट। बेसिकली वाटर कंटामिनेशन एक कंसर्न है, चाहे वो माइक्रोप्लास्टिक की फॉर्म में हो, चाहे वो एंटीबायोटिक्स पानी में आ रहे हो, चाहे उसके अंदर में माइक्रोब्स आ रहे हो, चाहे आर्सेनिक आ रहा हो, चाहे लेड आ रहा हो, और जो खासकर ऐसी चीजें जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जो अपने आप से बायोडिग्रेडेबल नहीं होंगी, और वो अगर आप कंज्यूम करते हो तो सेहत के लिए नुकसानदायक है। भारत में प्रदूषित पानी की वजह से लाखों की मौत हो जाती है। ऐसे में लोगों के पास शुद्ध पानी के लिए एक ही ऑप्शन बचता है, और वो है वाटर प्यूरिफायर। वाटर प्यूरिफायर की मदद से पानी को काफी हद तक साफ किया जा सकता है, लेकिन माइक्रोप्लास्टिक की समस्या का इलाज बड़े स्तर पर किया जाना जरूरी है। ये इतना माइक्रोप्लास्टिक होता है कि मान लीजिए ये जो ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं उसमें से भी निकल जाएगा, तो हमारे जो लेक्स है, रिवर्स है, इसमें से वो निकल के आगे समुन्दर में जाएगा। तो जो लोड जो बढ़ेगा समुन्दर में, वो जो छोटे छोटे फिश होगी, या मतलब बायोमैग्निफिकेशन, बायोक्यूमुलेशन और बायोमैग्निफिकेशन होगा, और फिश जैसे अगर कुछ लोग फिश खाते हैं तो अगर उन फिश में ये माइक्रोप्लास्टिक चले गए हैं तो अल्टीमेटली वो हमारे शरीर में आएगा। इसमें से कुछ प्लास्टिक जो होते हैं वो एंडोक्राइन डिस्टर्बर भी होते हैं, जो हमारे ह्यूमन सिस्टम को या हार्मोन्स को प्रॉब्लम कर सकते हैं। देश की नदियों और पानी की सप्लाई करने वाले जलाशयों में प्लास्टिक की बढ़ती मात्रा इस समस्या की सबसे बड़ी वजह है। इसके अलावा सिंथेटिक कपड़ों की धुलाई से निकलने वाले पानी में भी फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और जब ये पानी बिना किसी ट्रीटमेंट के इन जलाशयों में चला जाता है तो पानी में प्लास्टिक की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें तो सारे सैंपल्स को टैप वाटर से ही लिया गया था, तो ये टैप वाटर में पाया गया है। लेकिन अगर देखिए, अगर जिनके घर में फिल्टर नहीं होते हैं, या फिर जो प्रॉपर फिल्टर नहीं होते हैं जिसको ये रोक सके, उनके पानी में ये आने की संभावना है। पानी में मिले हुए माइक्रोप्लास्टिक के मामले में भारत का स्थान 14 देशों में तीसरे नंबर पर है। स्टडी के मुताबिक भारत में नल से आने वाले 82% पानी में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। जरूरी है कि घरों में प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। इसके अलावा लापरवाही से फेंका गया प्लास्टिक वाला कचरा पानी के संपर्क से दूर रहे, वरना आपकी इस गलती का परिणाम आपको ही भुगतना होगा। जो गवर्नमेंट है उसको वाकई कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि या तो प्लास्टिक का यूज पूरी तरह से बैन किया जाए, या फिर फैक्ट्रीज में जहां पर ये पार्टिकल्स निकल के आ रहे हैं, जिसका उसका सोर्स को पता किया जाए, उस सोर्स को खत्म किया जाए, जिससे कि ये मिलावट होके हमारे घर तक ना आ पाए। कई ऐसी जो डिजीजेस आजकल हो रही हैं, जो कि पहले कभी नहीं होती थी लोगों में, जो जिनका पहले कभी नाम भी नहीं सुना हुआ था। ये सारा मेन चीज तो पानी है हमारे बॉडी में। डेफिनेटली समथिंग अर्जेंटली नीड्स टू बी डन, टू बी अटेंडेड बाई द गवर्नमेंट।
इस स्टडी को करने वाले रिसर्चर्स का कहना है कि ये पीने के पानी में मौजूद प्लास्टिक के कणों पर की गई अपनी तरह की पहली स्टडी है और इस पर अभी और रिसर्च करके जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत है, लेकिन प्लास्टिक से होने वाले नुकसान किसी से छिपे नहीं है। प्लास्टिक की इस थैली की एवरेज लाइफ 12 मिनट से ज्यादा नहीं होती है, लेकिन एक बार बनने के बाद इसे 500 साल तक नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसलिए जरूरत है वक्त रहते सचेत होने की और माइक्रोप्लास्टिक से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा रहने की, ताकि किसी भी बड़े खतरे से बचा जा सके। अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। पानी में प्लास्टिक वाली कड़वी सच्चाई जानने के बाद अब आपको शायद ये लग रहा होगा कि अब बॉटल्ड वाटर का इस्तेमाल शुरू किया जाए, लेकिन बाजार में मिलने वाला ये पानी भी 100% शुद्धता की गारंटी आपको नहीं दे सकता। वर्ष 2015 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने बॉटल्स में मिलने वाले पानी पर एक रिसर्च किया था और इसमें टेस्ट किए गए पानी में से 27% बॉटल्ड वाटर में ब्रोमेट नामक रसायन की मात्रा तय मानकों से ज्यादा पाई गई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पानी में ब्रोमेट की अधिक मात्रा जहर की तरह काम करती है। इसके अलावा बॉटल्ड वाटर में क्लोराइड और क्लोरेट नामक नुकसानदायक केमिकल्स की भी मौजूदगी पाई गई थी। चिंता की बात यह है कि अभी तक भारत में ऐसा कोई कानून या कोई सिस्टम है ही नहीं जो बोतलों में बंद पानी में नुकसानदायक केमिकल्स की अधिकतम मात्रा तय कर सके। कुल मिलाकर कहा जाए तो देश में 100% शुद्ध पानी की खोज हमारे सिस्टम के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आजादी के 70 वर्ष के बाद भी लोगों को साफ और शुद्ध पानी का मूलभूत अधिकार अब तक नहीं मिल पाया है। और अब आज के इतिहास से जुड़ा एक जरूरी सवाल। वर्ष 1796 में आज ही के दिन उर्दू के सबसे बड़े शायरों में से एक मिर्जा गालिब का जन्म हुआ था। आज आपको मिर्जा गालिब का असली नाम और पूरा नाम बताना है। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे।